साल के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली से पहले नरक चतुर्दशी का पर्व भी हमारे देश में विधि विधान से मनाया जाता रहा है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, काली चौदस और छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसे साल में केवल एक बार आने वाला बहुत शुभ अवसर माना जाता है। परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के 14वें दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन अभयंग स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। अभयंग स्नान का मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 5:23 से लेकर 6:43 तक है, यानी इस दिन पूजा और स्नान के लिए कुल मिलाकर 1 घंटे और 20 मिनट का समय है। यह भी मान्यता है कि इस दिन सुबह के विराम से पहले आप पूरे शरीर पर तिल का तेल लगाएं और अपामार्ग के पत्तों के साथ पानी से स्नान करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करना आपको निडर बनने के रास्ते पर ले जाएगा और आपको स्वर्ग जाने की आपकी खोज में बहुत मदद करेगा। इस दिन 6 देवों की पूजा करने का विधान है और कहते हैं कि उनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। सबसे पहली है यम पूजा। इस दिन रात में यम पूजा के लिए दीपक जलाए जाते हैं। दीपक जलाने के लिए किसी पुराने दीपक में सरसों का तेल और 5 अन्न के दाने डालकर इसे घर के कोने में जलाकर रखा जाता है। इसे यम दीपक कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन काली माँ की पूजा भी की जाती है। इसके लिए सुबह तेल से स्नान करने के बाद देवी काली की पूजा होती है। मान्यता है कि माँ काली की पूजा से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। अगली है भगवान श्री कृष्ण की पूजा। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरक चतुर्दशी के दिन ही नरकासुर राक्षस का वध करके उसके कारागार से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण को भी पूजा जाता है। इस दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करने के साथ माता पार्वती की भी विशेष पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए पवन पुत्र हनुमान को भी इस दिन पूजा जाता है। दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी के दिन वामन पूजा का भी प्रचलन है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इस दिन एक विशिष्ट समय अवधि को निश्चित काल के रूप में माना जाता है, जहाँ हमारे सभी बेकार सामान को घर से बाहर फेंकने की सलाह दी जाती है। इस परंपरा को गरीबी हटाने के रूप में भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन यानी दिवाली के दिन धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और उसके साथ अपनी समृद्धि और धन दौलत की आभा में प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि आप अपने घर की सभी अशुद्धियों और गंदगी को साफ करते हैं। हिंदू रिचुअल्स के परिवार की तरफ से आप सभी को नरक चतुर्दशी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके त्योहारों को मंगलमय बनाए। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।